नमस्कार राम। भारत के 75वें अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में मैंने ये तय किया है कि उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करूं जिन्होंने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। आज हम एक स्वतंत्र देश हैं। ऐसा होने के लिए 90 सालों का संघर्ष, आधिकारिक तौर पर सन 1857 से 1947 तक ये संघर्ष चला, 90 सालों तक। लगभग 3 से 4 पीढ़ियों ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश नाम गुमनाम हैं। उन्हें सम्मानित नहीं किया गया, उनके परिवारों को सम्मानित नहीं किया गया, उनके लिए कोई स्मारक नहीं है। तो मैंने सोचा कि लोगों के जहन में उनकी याद ताज़ा करूं, खास तौर पर देश के युवाओं के, क्योंकि वो देश जो कृतज्ञता के भाव के बिना जीता है ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछली पीढ़ियों ने जो हमारे लिए किया है उनके लिए हम उनका सम्मान करें और आभारी रहें। इसके एक हिस्से के रूप में आज 21 मार्च को, जो कि मिट्टी बचाओ रैली का पहला दिन है, मैं आपको एक महान हीरो की याद दिलाऊंगा जो तेलंगाना क्षेत्र के गोंड समुदाय से थे। कोमरम भीम, जो कि गोंड आदिवासी कबीले से ताल्लुक रखते थे और उस जनजाति के पास अपने पारंपरिक अधिकार थे और स्वाभाविक रूप से वह जंगलों में रहते थे और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते थे, पर जब कुछ अंग्रेजी वन अधिकारियों ने इस पर अपनी नाराजगी दिखाई और वो उन आदिवासियों को अपने जीवन यापन के लिए जंगल का इस्तेमाल करने से रोकना चाहते थे, और उसके बाद थोड़ा बहुत वाद विवाद हुआ और उसके बाद से ये क्रूरता के चरम स्तरों तक चला गया, जहां उनमें से कई आदिवासियों की उंगलियां और हाथ काट दिए गए, और तब कोमरम भीम अपने कबीले के लिए लड़ने के लिए उठ खड़े हुए और कई सालों तक लड़ाई की, और उन्होंने एक गोरिल्ला आर्मी बनाई और बहुत बहादुरी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। एक गोरिल्ला सैनिक के रूप में उनकी वीरता और साहस वर्तमान तेलंगाना के उस क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा बन गई है। दुर्भाग्य से सन 1940 में कुछ मुखबिरों की वजह से पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब रही और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने कबीले के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। तो हमारे लिए उनके त्याग को, उनकी बहादुरी को और सबसे बढ़कर अपने लोगों की खुशहाली के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद रखना अच्छा है। मैं चाहता हूं कि युवा इसे याद रखें। अगले 75 दिनों तक मैं सोशल मीडिया पर हर दिन एक क्रांतिकारी को फिर से जीवित करूंगा। कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे बढ़कर उनके प्रति आभार व्यक्त करें जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, अपनी जवानी कुर्बान की भारत को वो बनाने के लिए जो वो आज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।